नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। नाउ इंडिया के डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत ही बिग न्यूज आ रही है और ये न्यूज इस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपसे किस तरह से लोग दोस्ती करना चाहते हैं। इंडिया को फाइटर जेट की जरूरत है, ये बात सबको पता है। चीन और रूस के रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कंपेरेटिवली इंडिया और रूस के रिलेशन उतने स्ट्रांग नहीं है जितना इस टाइम पे चीन और रूस के स्ट्रांग है। हालांकि इंडिया से भी रूस की अच्छी खासी दोस्ती है। फ्रांस के प्रेसिडेंट जब इंडिया आए थे तो इंडिया के एनवॉय जो फ्रांस में थे उन्होंने ये कहा था वहां प्रेस मीटिंग में, फ्रांस की जो एक कंपनी है सेफ्रोन, वो पूरी तरह से TOT यानी टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए राजी है इंडिया का जो एमका प्रोग्राम है उसके इंजन बनाने के लिए। यानी फ्रांस की सेफ्रोन चाहती है कि इंडिया अपने एमका प्रोग्राम में फ्रांस को शामिल करे और उसका इंजन फ्रांस द्वारा डेवलप किया जाए और उसके बाद में ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट तैयार हो। ये हो गया फ्रांस का बिट। अब अमेरिका चाहता है कि F-35 अमेरिका से इंडिया खरीद ले। हालांकि उसके पीछे कुछ सारे नियमों बता रहा है जिसमें ये भी है कि इंडिया को कई और सारे F-सीरीज के फाइटर जेट खरीदने पड़ेंगे। देखो आप लोगों को ये बात भी पता होगा कि एक टाइम पे इंडिया और रूस एक फाइटर जेट के डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे, लेकिन रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया था इंडिया को। उसके बाद इंडिया उस डेवलपमेंट से बाहर आ गया था, उस प्रोग्राम से बाहर आ गया था और ये बहुत शॉकिंग था रूस के लिए कि इंडिया कैसे बाहर हो गया। लेकिन इंडिया ने कहा कि अगर आप टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें नहीं करोगे और इतने महंगे रखोगे ये जो आप बना रहे हो तो हम बिल्कुल भी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। 10-12 साल बाद इंडिया बाहर हो गया था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब रूस की जो सरकारी समाचार एजेंसी है TASS उसके हिसाब से बात क्लियर हो रहा है कि रूस पूरी तरह से इंटरेस्टेड है कि भारत जो अभी SU-75 बना रहा है रूस उसके डेवलपमेंट में शामिल हो जाए। लेकिन इसका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप आना था वो 2020 में आना था लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि इनके पास फंड की कमी है। अब ये चाह रहे हैं कि इंडिया इसमें शामिल हो जाए और इंडिया इसको फंड कर दे। दूसरी बात क्या है कि ये यूक्रेन के साथ में वॉर कर रहे हैं तो इनके जो फाइटर जेट है उसका डेमोन्स्ट्रेशन दुनिया ने देख लिया और वो अच्छा नहीं रहा। इनके फाइटर जेट कुछ ज्यादा नहीं कर पाए यूक्रेन में। अब इंडिया के लिए चिंता की बात यह है कि 70% फाइटर जेट तो इन्हीं के बनाए हुए हैं इंडिया के पास में, तो इंडिया ये भी सोच रहा है। अब इंडिया के जो एयरफोर्स के चीफ वगैरह हैं वो इस बात को सोच रहे हैं कि हमने इनसे फाइटर जेट खरीदा, इनके फाइटर जेट यूक्रेन में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। एक बात इसमें यह भी है कि अमेरिका मैन्युफैक्चरर है, अगर इंडिया शामिल हो जाता है तो अमेरिका इंडिया से गुस्सा हो जाएगा। इंडिया की इकोनॉमी के लिए अमेरिका का इंडिया के पक्ष में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रस्टवर्थी ना हो कुछ भी हो। लेकिन जब इकोनॉमी की बात आती है तो इंडिया का आज के डेट में सबसे बड़ा अगर कोई ट्रेडिंग पार्टनर है तो वो अमेरिका है और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट इंडिया के फेवर में है, यानी अमेरिका को हम बेचते ज्यादा हैं। और वैसे भी अमेरिका अगर किसी के साथ में तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी, नॉर्मल सी बात है। फिर अमेरिका F-35 देना चाहता है, रूस चाहता है कि अमेरिका से इंडिया F-35 लेना, नहीं तो अमेरिका के मुंह से इंडिया बोलना शुरू कर देगा। अमेरिका ये भी नहीं चाहता है कि इंडिया रूस के SU-75 का जो प्रोग्राम है उसमें शामिल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस भी लग सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया की इकोनॉमी को फेस करना पड़ सकता है, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि फॉर द एग्जांपल के लिए तुर्की नाटो अलाई है और नाटो को लीड करता है अमेरिका। तुर्की ने S-400 खरीद लिया था, अमेरिका ने तत्काल F-35 के डील से बाहर कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग से भी बाहर किया, डेवलपमेंट से भी बाहर किया, डील से भी बाहर कर दिया। अब जाके थोड़ा इनका बातचीत सही हुआ है जब तुर्की ने स्वीडन को अलाउट कर दिया कि वो नाटो में शामिल हो जाए, तो अब ये F-16 देने को राजी हो गए हैं तुर्की को, लेकिन F-35 का अभी कोई जिक्र नहीं है। तो इस वजह से अमेरिका पसंद ही नहीं करता कि रूस से कोई बिजनेस हो। ऐसे में अगर इंडिया ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट की डील कर ली तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, ये जो SU-75 है ये SU-57 का ही एडवांस वर्जन है, ये सिंगल इंजन फाइटर जेट होगा। दूसरी बात क्या है कि फ्रांस राजी तो है इंडिया के साथ में बनाना, इंडिया का फिर मेक इन इंडिया कहां गया, ये भी प्रॉब्लम है। इंडिया चाहता है कि इन सबसे कुछ ना करें, हम अपना एमका बनाएं, मेड इन इंडिया बनाएं, हम किसी से सहयोग ना लें। लेकिन इंडिया को क्या है, फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीद रहा है चाइना से, इन द फ्यूचर उसको टर्की का कान भी मिल जाएगा जो वो भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इंडिया के पास में प्रेजेंट टाइम में स्क्वाड्रन होने चाहिए 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, है कितने 30-31 स्क्वाड्रन है, तो बहुत ज्यादा फाइटर जेट की कमी है इंडिया में। देखो इंडिया में है इस साल इलेक्शन और इंडियन गवर्नमेंट अप्रैल से पहले तो कोई घोषणा करने वाली नहीं। इंडियन एयरफोर्स ये बात समझाते समझाते परेशान हो गई है गवर्नमेंट को कि इंडिया को फाइटर जेट की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स अभी भी वेट कर रही है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA के लिए लंबे समय से, लेकिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसको अप्रूवल नहीं दे रही है। इंडिया के पास में इस टाइम पे 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए लेकिन 31 स्क्वाड्रन ही है, तो इस वजह से इंडियन एयरफोर्स को जरूरत है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों के पास में 5th जनरेशन के फाइटर जेट है। जैसे कि चीन के पास है तो पाकिस्तान के पास भी मानो है ही, और वैसे भी अगर 4th जनरेशन की बात की जाए तो दुनिया का बेस्ट 4th जनरेशन का फाइटर जेट F-16 पाकिस्तान के पास में है। इंडिया को इस तरह के फाइटर जेट की जरूरत है लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट अभी अप्रूवल नहीं दे रही है खरीदने के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो आत्मनिर्भर भारत है या जो मेड इन इंडिया है उसको थोड़ा पुश मिलेगा अगर हम कहीं से और नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब इस तरह से तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा एमका भी पिछले 2006 का ये
प्रोग्राम है, आज तक ख़त्म नहीं हुआ, प्रोटोटाइप बना रहे हैं अभी। अब इससे दो बात तो क्लियर होती है, एक तो ये कि चेकमेट, जिसको SU-75 को चेकमेट ही बोलते हैं, उसमें इंडिया शामिल नहीं होगा उसके मैन्युफैक्चरिंग में, डेवलपमेंट में। EF-35 भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ना खरीदे, क्योंकि इंडिया ने हाल ही में अपना सर्विलांस मजबूत करने के लिए पिछले साल एक डील की थी लॉकहीड मार्टिन से, और $3.99 अरब का एक डील हुआ, उसमें इंडिया ने 31 MQ-9B रैपर खरीदा, जिसमें से 15 सी गार्डियन हैं और बाकी माउंटेन वॉरफेयर वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि इंडिया सर्विलांस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और दुनिया का जो बेस्ट क्वालिटी का ड्रोन है वो इंडिया खरीद रहा है। इंडिया ना EF-35 खरीदने जा रहा है, ना ही इंडिया SU-75 में शामिल होगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 32 नए राफेल इंडिया जरूर खरीद ले, और उससे 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है वो, तो थोड़ा बहुत इससे पुश मिल जाएगा इंडियन एयरफोर्स, नहीं तो इंडियन एयरफोर्स का डोमिनेंस कम हो रहा है, ये बात क्लियर है। और एमका बनाने में मान के चलो 10 साल तो लगेंगे, पहली फ्लाइट 2030 से पहले और 35 से पहले नहीं होने वाली, क्योंकि अभी सेफ्रोन के साथ में इनकी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई कोलेबरेशन चालू नहीं होगा। कोलेबरेशन चालू हो जाएगा तो 5 साल उसका इंजन बनाने में आराम से लग जाएगा, और 15,000 करोड़ रुपए लगेंगे, तब जाके उसका इंजन बनेगा। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। समझ जाओ कि चंद्रयान पे इंडिया के वैज्ञानिक ऐसे रॉकेट बना सकते हैं कि पहुंच जाए, लेकिन एक फाइटर जेट का इंजन नहीं बना सकते। आज तक इंडिया के पास कोई भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है जिसका इंजन इंडिया में बना हो। तेजस का भी जो इंजन है वो अमेरिकन है, इंडियन नहीं है।